myself Dr. Omkar Singh, AI Training इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत है और आज स्टार्ट करते हैं संक्रामक गर्भपात। संक्रामक गर्भपात क्या होता है, किसकी वजह से होता है ये, और इससे क्या नुकसान होता है, क्या इसके इलाज है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो वो सभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। संक्रामक गर्भपात, ब्रुसेलोसिस, इसको ब्रुसेलोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलती है और पशुओं में बहुत, गाय भैंस सभी में इनमें बहुत ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं, अबॉर्शन हो जाता है इसमें पशुओं का। और लेट प्रेगनेंसी में, जैसे लेट सातवां आठवां नौवां महीना जब उस टाइम के प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा डाल देती है पशु, फीमेल जो होती है वो बच्चा इसका डाला जाता है, जो कि फार्मर को एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उससे फार्मर का लॉस, दूध की प्रोडक्शन सारी कम हो जाती है। तो ये किस, इसमें कौन सा कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है ब्रुसेला बोर्टस, ब्रुसेला बोर्टस बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ब्रुसेला बोर्टस, और इसके कैसे फैलती है ये बीमारी, एक पशु से, जैसे एक पशु, यदि किसी फार्मर के 10 पशु हैं तो यदि एक पशु का अबॉर्शन हो जाता है ब्रुसेला बोर्टस की वजह से, और जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं वो वन बाय वन उसका डिस्चार्ज है, उसमें जेर रह जाती है, उसके अंदर वो डिस्चार्ज डालता है पशु, वो डिस्चार्ज दूसरे पशुओं को, प्रेग्नेंट एनिमल को लग जाएगा, तो वो लगने से उसमें दूसरे पशु में इन्फेक्शन हो जाएगा, दूसरे पशु जितने भी प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं उसमें सभी में अबॉर्शन हो जाता है, और ये इसके फार्मर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है और पशु के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, पशु कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल इस बीमारी से, और मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मिल्क प्रोडक्शन तो टाइम पर यदि पशु जाता है तभी मिल्क प्रोडक्शन ठीक उसकी रहेगी पशु की, यदि बीच में ही उसका अबॉर्शन हो जाएगा तो पशु कमज़ोर हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम, बिल्कुल कम हो जाती है, कई पशु तो बिल्कुल दूध नहीं देते, और इसमें फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें सिम्टम क्या होते हैं इसके, ब्रुसेला बोर्टस के, ये इससे बीमारी ह्यूमन बीइंग भी कहीं दूसरी जगह, जैसे वो बच्चा डाला उसने जो रिप्लेंटा जेर रह जाती है, वो कहीं उसका वो टुकड़ा कहीं नीचे ज़मीन पर पड़ जाता है तो दूसरी जगह जब वो उससे इन्फेक्शन फैल जाता है, एनिमल भी दूसरी जगह जब, जैसे कोई इन्फेक्टेड एनिमल है ब्रुसेला से, इन्फेक्टेड है कोई एनिमल, फीमेल एनिमल, और जब वो हीट में आता है तो वो इसमें मेल के सांड के भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, वो दूसरे सांड को जब प्राकृतिक रूप से वो नेचुरल सर्विस करता है तो उसको भी बीमारी लग जाती है, वो दूसरे पशुओं को वो बीमारी इस तरह से फैलती जाती है, वो बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बीमारी फैल जाती है, तो इससे ये इससे बीमारी फैलती है। और इसके लक्षण क्या हैं, क्या लक्षण हैं इसमें जो कि हमें पता चल जाए सिम्टम इसके क्या हैं, इसमें पहले तो टेम्परेचर, पशु को टेम्परेचर हो जाएगा, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा और डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा पशु को, फीमेल एनिमल को डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा और लाल रंग का, हल्के लाल रंग का डिस्चार्ज आएगा, पशु ऐसा हो जाएगा कि ब्याने वाला है, और वो 7-8 महीने का जब प्रेग्नेंट होता है, 6.5-7 महीने का, तो उस टाइम ऐसे लगेगा कि वो ब्याने वाला है, डिस्चार्ज लाल आ जाएगा और अडर की कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, और अल्टीमेटली अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा नीचे डाल देगा पशु, और उसमें उससे फिर उसको जो जेर है वो जेर भी रह जाती है, कई बार वो साथ गिर भी जाती है, यदि वो
जेर गिरती भी है तब भी वो जेर ऐसी हो जाती है कि जैसे चमड़े जैसा उसका मोटा वो जेर रिप्लेंटा प्लेसेंटा बन जाता है और उससे हमें पता चलता है कि ये ठीक है, ब्रूसेला की वजह से, ब्रूसेला बैक्टीरिया की वजह से बीमारी है और अबॉर्शन हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं के अबॉर्शन होते हैं। इसकी वैसे इसका सिंपली ट्रीटमेंट, जैसे जेर रह जाती है तो इसमें क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट, जेर रह जाएगी ट्रीटमेंट में इसमें क्या लेंगे, जैसे जेर रह जाती है तो उसमें इंजेक्शन, जेर रहने के लिए इंजेक्शन वेटमेट दे देते हैं, इंजेक्शन वेटमेट 2 ml इंट्रामस्कुलर है ये हम दे देंगे पशु को, उससे थोड़े जेर की साफ हो जाएगा। और यूट्राइन टॉनिक दे देंगे उसको, रिप्लेंटा जैसे है। और यदि पशु को टम्परेचर होता है तो उसके लिए हम टम्परेचर के लिए कोई एंटीबायोटिक देंगे, जैसे इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग टेरामाइसिन देते हैं, इंजेक्शन टेरामाइसिन। तीस एम एल इंट्रामस्कुलर लॉन्ग एक्टिंग ये इंजेक्शन देंगे उसको, और वेटमेट ये जेर के लिए दे देंगे उसको, और टेम्परेचर के लिए उसको मेलोनेक्स इंजेक्शन, मेलोनेक्स प्लस दे देंगे इंजेक्शन। थर्टी एम एल इंट्रामस्कुलर, और चारा वगैरह एनिमल कम खाता है तो उसको हम बी कम्प्लेक्स देंगे इंजेक्शन, बी कम्प्लेक्स दे देते हैं इंजेक्शन, बेला मिल देंगे 10 ml इंट्रामस्कुलर। वैसे तो जब एनिमल अबॉर्शन होने के चांस होते हैं तो उसमें बचाव का कोई वो नहीं होता, क्योंकि उस टाइम अबॉर्शन होना ही होता है एनिमल को। तो इसके बचाव इसका हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये है कि यदि किसी एनिमल का अबॉर्शन हो जाता है तो उस एनिमल को हम दूसरे उसके जो रिप्लेंटा वगैरह जेर है वो हम नीचे ज़मीन में गड़ा देने चाहिए, और वैसे वो डिस्चार्ज वगैरह देता है उसको सब मिट्टी से कम नीचे दबा देना चाहिए उसको सभी को, और उससे बचाव ये हो सकता है। और इसकी वैक्सीन आती है बचाव के लिए, ब्रूसेला 19 इसकी वैक्सीन है, ब्रूसेला 19, तो वो वैक्सीन हम लगाते हैं और उससे बचाव उसका एनिमल का ब्रूसेला से हो जाता है, ब्रूसेला स्ट्रेन 19। स्ट्रेन 19 ये लगाते हैं, इससे जो 6 महीने की फीमेल होती हैं उन्हीं को लगाया जाता है ये इंजेक्शन, और मेल को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मेल को बीमारी नहीं होती, ये फीमेल को ही लगाया जाता है। एक बार यदि हम लगा लेते हैं तो लॉन्ग लाइफ उसकी इम्यूनिटी बन जाती है और उसको फिर और कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके अबॉर्शन नहीं होता उसको उस बीमारी से। सिर्फ ये वैक्सीन यदि लगा लें हम फीमेल एनिमल को 6 महीने की एज में, 6 मंथ की एज में सभी फीमेल को यदि इंजेक्शन ये लगा लें ब्रूसेला 19 स्ट्रेन, तो उससे अबॉर्शन हो की रोकथाम हो जाती है। और ये हमारा आज का टॉपिक है, ब्रूसेला का संक्रामक गर्भपात ये कंप्लीट होता है। और फिर दूसरा हम नेवल इल लेंगे वो